सोलन में क्रांति ज्वाला प्रजा मंडल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के प्रति जिला प्रशासन का रवैया बेहद आहत करने वाला है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, इसीलिए वह आज मीडिया के समक्ष अपना दर्द और व्यथा रखने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2007 में जिला प्रशासन ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र दिया था, जिसके आधार पर कागजात भरे जाने थे, इसलिए वह जिला प्रशासन के पास गए तो उन्होंने 2007 में बने प्रमाण पत्र को मानने से मना कर दिया और दोबारा से प्रमाण बनाने को कहा और उनसे अभद्र व्यवहार भी किया गया, जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को भी की है। रोष प्रकट करते हुए क्रांति ज्वाला प्रजा मंडल के राज्य अध्यक्ष भरत ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और सरकारी फरमान स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे सर्टिफिकेट उन्हें दोबारा से बनाने के आदेश दिए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। इसीलिए जिला सोलन के स्वतंत्रता सेनानी जल्द ही रणनीति बनाकर सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया सम्मान वापिस करने और जल्द ही एकत्रित होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। मैं भरत सिंह ठाकुर, मेरे पिताजी क्रांतिकारी रहे हैं, दादाजी क्रांतिकारी रहे हैं, जिनके उपलक्ष में हमें सरकार ने ये सर्टिफिकेट भी इशू कर रखा है, लेकिन आज की डेट में ये सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड साबित हो रहे हैं। कोई डीसी सोलन से हमें पिछले हफ्ते हमारे बच्चे के लिए एक कॉलेज की एडमिशन के बारे में हमें वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ा, जो इसी सर्टिफिकेट के आधार पर वेरीफाई होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वेरिफिकेशन करने के बजाय उन्होंने हमें दोबारा से एसडीएम के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा कि अर्की जाओ जी, अर्की से दोबारा वेरीफाई करा के लाओ, फिर ये बनेगा। दैट मीन्स कि ये किसी काम का नहीं है जो गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफिकेट इशू कर रखा है। ये जो फटाफट सर्टिफिकेट हमें दिए गए, ये सामूहिक तौर पर मजदूर हम जितने बने ये गवर्नर को देंगे, प्राइम मिनिस्टर को देंगे, राष्ट्रपति को, इनकी कॉपियां सबको भेजकर ये वापसी करेंगे। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे सीटों पर बैठा रखे हैं, जो क्रांतिकारियों के बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और ये क्रांतिकारी बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आम पब्लिक के साथ कैसे बिहेव करते होंगे, ये बात बड़ी बहुत ही खतरनाक